इन विलुप्त प्रजातियों को हमने तीन वर्गों में बांटा है। वास्तव में ये जो वर्गीकरण किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है IUCN के माध्यम से प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहली जो प्रजाति है इसे हम कहते हैं संकटापन्न प्रजाति। संकटापन्न प्रजाति वे प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार में हैं। इनके लुप्त हो जाने का खतरा निरंतर मंडरा रहा है और इसीलिए जो IUCN यानी जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये विश्व की जो संकटापन्न प्रजातियां हैं इनकी एक लिस्ट बना रही है और इसे हम रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। ये निरंतर इस प्रकार की लिस्ट बना करके उसको प्रकाशित करती है। उनका प्रकाशन का जो उद्देश्य होता है मूल रूप से इन प्रजातियों को बचाने के लिए ऐसे रेड लिस्ट जारी की जा रही है, जिससे हम इसको किसी भी तरीके से सुरक्षित या संरक्षित कर सके। दूसरी प्रकार की जो प्रजाति है ये है सुभेद्य प्रजाति। सुभेद्य प्रजातियों के अंतर्गत ऐसी प्रजाति जिसका हम संरक्षण नहीं कर सकते, लेकिन यदि उनका विलोपन हो रहा है, वो विलुप्त हो रही है, तो हम ऐसे तत्वों को निर्मित करें जिससे उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी निकट भविष्य में यदि इनके विलुप्त होने का खतरा है तो हम कई कारणों से इसे विलोपित होने से बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती है जो कि जलवायु के परिवर्तन से या आवासीय क्षेत्र में परिवर्तन के बाद ये प्रजातियां प्रायः विलुप्त हो जाती है। तीसरे प्रकार की जो प्रजाति होती है इसे हम दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। संसार में इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं इनकी संख्या बहुत ही कम है और इसके अंतर्गत हम्बोशिया डेकेरेंस बेड जो है ये भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां पर पाई जाने वाली एक प्रजाति है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, कुछ विशेष क्षेत्रों में ही ये प्रजातियां पाई जाती है और इनका अब क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है। कहीं कहीं पर वृहत क्षेत्र में ये प्रजातियां कहीं छोटे से विरल स्थिति में कहीं पर फैली हुई सी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियों का संरक्षण या जो विलोप हो रहा है ये हमारे लिए आज बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है और इसीलिए पर्यावरणविद जो है ये सचेत हो रहे हैं कि इस क्षेत्र में अब वो निरंतर अपना ध्यान दे रहे हैं कि प्रजातियों को हम किस प्रकार से बचा सके। जैव विविधता में आने वाले जो संकट है इन संकटों को ध्यान में रख करके उनका संरक्षण और उनके संवर्धन का उपाय करना, यही हमारे वर्तमान समय की मांग है। क्योंकि ऐसा न करने से जो पर्यावरण में जो कठिनाइयां आएगी ये हमारे लिए वास्तव में बहुत घातक हो सकती है। बच्चों, जैसे नगरों में वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसका कारण क्या है कि बहुत ज्यादा परिवहन के साधन विकसित हो गए हैं, उद्योग विकसित हो गए हैं, तो चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैल रही है। इसका एकमात्र उपाय है कि अधिकाधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सके और इन पौधों की सहायता से कार्बन तत्व को कम करने का प्रयास यदि हम करते हैं तो ये हमारे लिए एक सुरक्षित प्रक्रिया होगी। और इसी प्रकार से जब वृक्ष विकसित होंगे तो वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है इनका भी आवास होगा और ये
जो आवास है ये हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। एक और प्रक्रिया होनी चाहिए कि वृक्षों को काटने के लिए या जीव जंतुओं के छोटे छोटे जीवों का शिकार करने की जो प्रक्रिया होती है इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसीलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण से विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं इस पर आने वाले जो संकट है ये संकट कम होंगे और प्रकृति में जो असंतुलन की स्थिति आएगी यह भी कम हो सकती है। पौधे या प्राणियों में जब संकट उत्पन्न होते हैं तो उसका परिणाम मनुष्य पर पड़ता है और मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। और इसलिए आज हम पर्यावरण मैत्री की बात करते हैं या पर्यावरण के प्रति जागरूकता की जो बात करते हैं तो ये सब हम जीवों का संरक्षण करके स्वयं का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए वर्तमान में जो सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है इसके प्रति भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि संरक्षण हमें करना है तो यह तब ही संभव होगा और यह तभी दीर्घकालीन होगा जब समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य इसमें भागीदार होगा। इसके लिए हमें स्थानीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या विश्व स्तर पर अनेक संस्थाओं का विकास करना चाहिए और इसके माध्यम से हमें विभिन्न जीवों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाना बहुत ही आवश्यक है। सन 1992 में ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ था इसे हम पृथ्वी शिखर वार्ता के रूप में जानते हैं। ये सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था और इसमें जैव विविधता के लिए कई देशों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। जैव विविधता का संरक्षण का कार्य योजना कैसे सुचारू रूप से चलाई जाए इस सम्मेलन में कुछ इस प्रकार की बातें हुई थी और कुछ नियम बनाए गए थे। इन नियमों में कई देशों ने जो हस्ताक्षर किए हैं तो ये तरीके या जो नियम हैं ये कुछ इस प्रकार के हैं। पहला तो है कि जो संकटापन्न प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए। दूसरा जो है जब प्रजातियां लुप्त होने लगती है तो उनको बचाने के लिए उचित योजनाएं बनाना और न केवल योजना बनाना बल्कि उन पर इंप्लीमेंट करना उनको लागू करना ये इस प्रकार के जो प्रबंधन है इनकी अपेक्षा इस सम्मेलन में की गई। तीसरा जो तरीका है वो है कि खाद्यान्नों की जो किस्में हैं इसमें पशु के चारे या पौधे विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी के जो वृक्ष हैं पशुधन जंतु इन सभी को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। फिर प्रत्येक देश को उनके क्षेत्र में जिन जीवों का आवास है उन्हें सुरक्षित करना है, उनको चिन्हित करें पहले कि कहाँ पर कौन से विशेष जीव जो है वो निवास कर रहे हैं। चिन्हित करके मैंने बच्चों आवास के संबंध में पहले ही बताया कि आवास क्या होते हैं कि जिस क्षेत्र में वहाँ की पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर जीवों का निवास होता है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ठंडे प्रदेशों में रेंडियर पाया जाता है तो बहुत गर्म जो उष्ण मरुस्थल है वहां पर ऊंट पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बाघ चीता आदि पाए जाते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में जीवों
के जो क्षेत्र हैं वह अलग है, तो उन क्षेत्रों में उन जीवों के आवास को चिन्हित करना, वो जीवों को चिन्हित करना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। फिर प्रजातियों, विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं इनको पलने, बढ़ने और विकसित होने के लिए भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और इस प्रकार से जीवों का शिकार न हो, पेड़ पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न हो, इस प्रकार के नियमों का भी विकास करना चाहिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो कुछ नियम इसमें लागू होने चाहिए और उस नियमों के तहत ही काम होना चाहिए। तो ये जो रियो डी जेनेरो में इस प्रकार के कुछ सुझाव बताए गए और उन सुझावों के तहत हमारे देश में भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की गई जिससे जीवों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारत ने जो प्राकृतिक सीमाओं के भीतर में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए कई अधिनियम बनाए, जिसमें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया गया। और इस अधिनियम के तहत भारत में विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनका, उसके अलावा कुछ सेंचुरीज की स्थापना की गई और कई क्षेत्र में जीव मंडल के आरक्षित क्षेत्र है जो बायोस्फीयर रिजर्वर कहलाते हैं, इनकी भी घोषणा की गई। और इस प्रकार से भारत ने संपूर्ण क्षेत्र में इसके अलावा और भी कुछ जो व्यवस्था की गई जीवों के संरक्षण प्रदान करने के लिए, इसके अंतर्गत स्वस्थितिक संरक्षण और गैर स्वस्थितिक संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, इस प्रकार की भी प्रक्रिया अपनाई। और इस प्रकार की प्रक्रिया में, इन सीटू में क्या होता है, जब किसी जाति के जीव का संरक्षण उसका जो मूल क्षेत्र होता है, मूल आवास होता है, उसमें किया जाता है तो उसको इन सीटू कहते हैं। जबकि कई जीव ऐसे होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है और उसको वहां संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इस प्रकार की जो संरक्षण होता है इसको एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक आदि की स्थापना की गई। भारत में ऐसे बहुत से बैंक हैं जिसमें शिमला, अमरावती, जोधपुर और शिलांग में बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, जिससे संकटग्रस्त जाति के जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण किया जा सके। इसी प्रकार से इन स्थानों पर जो वैज्ञानिक विधियों से बीजों का संवर्धन किया जाता है और उनको विकसित किया जाता है। भारत में ऐसे ही जंगली धान के जो बीज है उसको भी सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अचूक दवा का विकास किया गया है। लेकिन वर्तमान में हम यह देखते हैं कि फसलों का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसके कारण भी जैव विविधता का नाश हो रहा है। दूसरी तरफ जब हम स्वस्थितिक पारिस्थितिकी यानी इनसीटू पारिस्थितिकी को देखें तो इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, सेंचुरी, रिजर्वर या चिड़ियाघरों की स्थापना भारत में की गई है। बच्चों, आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही नेशनल पार्क और अभयारण्य या जो सेंचुरीज है ये स्थापित हुए हैं। आप जानते हैं यहाँ पर 3 नेशनल पार्क हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी नेशनल पार्क बने हैं। सन 1975 में इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1983 में कांगेर घाटी
राष्ट्रीय उद्यान बना और सन 2001 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 11 अभयारण्य हैं। ये 11 अभयारण्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो जीवों का संरक्षण हो रहा है, इसमें शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, भालू, वन भैंसा, चिंकारा आदि का संरक्षण होता है। इसमें 2-4 नाम मैं बताती हूँ। उदाहरण स्वरूप जैसे बारनवा पारा है, सीता नदी अभयारण्य है, उदंती अभयारण्य है, अचानक मार अभयारण्य, आपने ये नाम सुने होंगे। इसी प्रकार से भैंस दरहा अभयारण्य, यह प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर मगरमच्छों के संरक्षण के लिए भी यह अभयारण्य अब विकसित किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 चिड़ियाघर भी स्थापित है। तो बच्चों, ये तो भारत में या छत्तीसगढ़ में जो वन संरक्षण की प्रक्रिया की गई या जैव संरक्षण की प्रक्रिया की गई, इसमें क्या करते हैं कि किसी जाति विशेष के जीवों का संरक्षण उनके मूल आवासों में किया जाता है और इस प्रकार से उनका जो संरक्षण होता है उसी स्थान में उनको पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ये एक जैव विविधता का जो छत्तीसगढ़ में स्वरूप है, ये हमने देखा। बच्चों, जहां पर उष्णकटिबंध के क्षेत्र स्थित है, संसार में उस क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और उसी क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, महाविविधता का केंद्र कहते हैं। सन 1991 में एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी मेयर, इन्होंने इस प्रकार के जो क्षेत्र है इसमें 12 क्षेत्रों को इन्होंने खोजा और इन्होंने बताया कि ये जो 12 क्षेत्र है जिसमें मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पीरू, ब्राजील, कांगो का क्षेत्र, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो क्षेत्र हैं जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर ये समृद्ध क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में है, जिसमें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में इसको निर्धारित किया है। तो यहाँ पर जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर इन्होंने उसको कहा है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और उसका जो परितंत्र है जो कि प्राथमिक उत्पादन को निर्धारित करते हैं और उसी के कारण विभिन्न जीवों का विकास हुआ है, क्योंकि विभिन्न जीव ये प्राथमिक उत्पादन पर आधारित होते हैं, अन्य जीव इसके उपभोक्ता होते हैं। तो ये जो प्राथमिक उत्पादन यानी कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, इसको जलाने के लिए या कृषि भूमि या इमारती लकड़ी यहाँ से काटने के लिए इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि जीवों की सुरक्षा की जा सके। बच्चों, आपने विश्व में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अफ्रीका के पास जो मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ पर लगभग विश्व में पाई जाने वाली प्रजातियों के लगभग 85% पौधे और जीव इसी क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि संसार के अन्यत्र नहीं पाए जाते। तो ये भी एक बड़ा हॉटस्पॉट का क्षेत्र है, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे इनका संरक्षण संभव नहीं है। इसी प्रकार से हवाई द्वीप
देखिए यहाँ पर भी विशेष प्रकार के पादप और जीव जंतु की प्रजातियां मिलती है और इनका भी संरक्षण संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई प्रकार के जो प्रवासियों का आगमन होता है इसके कारण भूमि का जो विकास है यह असुरक्षित हो गया है। तो बच्चों जैव विविधता और उसका संरक्षण हमारे जीवन के लिए, हमारे वातावरण को संतुलित बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है।